NDTV spoke with Lovepreet's family last night. Let's listen in to what they have to say. अभी है कि कुछ क्यों अरेस्ट तो किया गया नहीं है। हाँ जी, या तो उसको अरेस्ट कर लेते तो हम मानते कि हाँ प्रशासन कुछ कर रहा है, तो ये खाली चेक देने से कुछ किसी का भला नहीं हो जाता ना। हम चेक देने से हमारा बेटा आ जाएगा, बिल्कुल हमारे बेटे के बराबर अगर पैसा तोल दें तो तभी हमारे लिए वो शून्य है। हम तो यही चाहते हैं कि बस जो हमने आपको बताया है यही होना चाहिए, तभी हम तभी अरेस्ट होने चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, इस्तीफा चाहिए। तो राहुल और प्रियंका से यही सब बातचीत आपकी हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, तो क्या बोला फिर राहुल जी ने आपसे, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। Now Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi met with the families and they said that the families don't want money but they actually want justice. Let's listen in. सारे परिवारों ने एक ही चीज कही है, तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले।